हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर, बट टू पार्ट्स आर रिमेनिंग, दैट इज पेज नंबर 32, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब करेक्ट आंसर और क्रॉस द इनकरेक्ट वंस. तो आई जस्ट डिक्टेट यू, यू जस्ट टिक मार्क. द राइटर लिव्स इन हरिद्वार. Writer lives in Haridwar, that is false. He met the brothers in the rainy season, false. He was going to Haveli Hariganga, true. He met the brothers on a bridge, true. The elder brother was catching fish, false. The younger brother spotted a coconut, true. The younger brother fished out the coconut, false. The boys were very poor. True. Now I repeat the answer. First one is false, second one is false, then true, then true, then false, then true, then false, and then true. Find the words in the story which mean the same as the ones given below. Full up people, crowd. Give something to God while praying, offers. People who travel to holy places to worship, pilgrims, doing some work very well, skillfully, not clear, foggy, threw with force, hurled, conveyed something with the movement of hand, gestured. Now, B, exercise B, strike off the word that does not belong to the group. Keep, catch, capture, hold. इसमें रॉन्ग आउट व ऑड आउट कौन सा है? कीप, क्योंकि कीप मीन्स रखना, बाकी कैच कैप्चर होल्ड सब में उसको पकड़ना होता है. नोटिस वॉच ड्रीम सी. नोटिस वॉच एट सी तीनों का मतलब सेम होता है, मतलब हम जो देखते हैं. ड्रीम इज द इनकरेक्ट, सो ड्रीम इज यू हैव टू सर्कल द ड्रीम. हर्ल थ्रो फ्लिंग कैच, कैच इज द wrong one. Lane, avenue, street, stream. Stream is the incorrect answer. Rush, run, squat, move. Squat is the incorrect. So you have to do in your notebook also. Now, today I am going to teach you the poem I Wish I Could. Everyone, read the poem at home also. And write the hard words and word meanings. I wish that every child like me had enough to eat and be as happy as he can be. यहाँ देखो एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बैलून्स उड़ा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे मजा कर रहे हैं. तो आई विश आई कुड, यहाँ पे पोएम जो पोएट है वो बोल रहे हैं, मुझे ये विश है, मेरा इच्छा है कि एवरी चाइल्ड लाइक मी, मतलब मेरे जैसे सारे बच्चे, सबके लिए इनफ फूड मिले और वो हमेशा हैप्पी रहे. आई विश एवरी चाइल्ड हैड टाइम फॉर फन एंड प्ले एंड डिडंट हैव टू टॉयल लाइक ग्रोन अप्स नाइट एंड डे. टॉयल मीन्स वर्क वेरी हार्ड. कुछ कुछ बच्चे हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कोई चाय के दुकान में काम करते हैं, कोई बाहर काम करने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा के साथ भी काम पे जाते हैं. लेकिन यहाँ पे वो पोएट जो है वो छोटे बच्चे की तरह खुद को समझ रहा है और बोल रहे हैं, आई विश एवरी चाइल्ड अ टाइम फॉर फन एंड प्ले. उनके लिए भी फन और प्ले के लिए टाइम होना चाहिए और उनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उनको नहीं करना चाहिए, लाइक ग्रोन अप्स नाइट एंड डे, और रात को दिन में उनको प्रॉपरली उसको ग्रोन अप होना चाहिए. I wish I could see all children smile with glee. I would want every child to be in a school nearby. तो वो क्या बोल रहे हैं कि I wish I could see, मतलब मुझे ये देखने को मिले कि सारे बच्चे के अंदर एक हैप्पीनेस और एक स्माइल, एक हंसमुख बच्चे उसके अंदर हैप्पीनेस होना चाहिए. Glee means happiness. I would want every child to be in school nearby. Nearby मतलब आसपास का जो भी स्कूल्स है, सारे बच्चे स्कूल्स में जाए और उनके चेहरे पे एक हैप्पीनेस मुस्कुराहट आ जाए. आई विश एवरी चाइल्ड वॉज ट्रीटेड जस्ट एंड फेयर, ड्रीम्ड हिज ओन ड्रीम्स एंड नॉट बर्डन्ड विद केयर.
मुझे ये भी इच्छा है कि सारे बच्चे ट्रीटेड फेयर, मतलब बहुत ज़्यादा इनको ट्रीट किया जाए, बहुत फेयरली ट्रीट किया जाए, और उनका जो भी ड्रीम्स है वो उनको बर्डन ना बन जाए, बोझ ना बन जाए, वो भी उसके लिए केयरफुल होना चाहिए कि उसका जो ड्रीम है उसको हम लोग फुलफिल कर सके। आई विश अ नाइस शेल्टर फॉर ईच एंड एवरी लिटिल चाइल्ड, गुड लिटरेट पेरेंट्स टू हेल्प देम एंड गाइड। हमको ये भी देखना है कि उनके लिए एक बहुत अच्छा शेल्टर मिले, एक आश्रय स्थल मिले फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, सारे बच्चे के लिए सिर के ऊपर छत होना चाहिए, गुड लिटरेट पेरेंट्स होना चाहिए, उनका पेरेंट्स भी लिटरेट मतलब शिक्षित होना चाहिए, टू हेल्प देम एंड गाइड, उनको गाइड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक हम लोगों का चाहत है जो फुलफिल होना भी जरूरी है। तो हमको ये बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, जो एनवायरनमेंट में बच्चा खुश रहे, वो पढ़ाई भी करे और कभी भी उसको कोई मेहनत करने वाला काम ना करना पड़े। तो यू हैव टू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स, नंबर वन विश, नंबर टू इनाफ, नंबर वन विश, नंबर टू इनाफ, नंबर थ्री हैप्पी, देन टॉयल एंड ग्रोन, नेक्स्ट स्टैंजा ग्ली एंड स्कूल नियर बाय। आई विश एवरी चाइल्ड ट्रीटेड देन बर्डेंड एंड ड्रीम्स, आई विश अ नाइस शेल्टर देन लिटरेट पेरेंट्स एंड गाइड। तो आई जस्ट मार्क आउट द वर्ड्स विश इनाफ हैप्पी टॉयल ग्रोन ग्ली nearby treated burdened literate guide and parents sorry shelter you have to write down the words and you have to first you have to write the chapter name then write down the hard words and after the take the margin you have to write down the word meanings also now today I have finished here next day I'll do the exercises okay thank you beta and have a nice day